guys, welcome to my channel Nomadic Pari. How are you all? कैसे हैं आप सब लोग? Thank you so much मेरे last video को इतना सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए. So without wasting any time, आज का video किस topic पे है ये मैं आपको बता दूंगी. चलिए कुछ 10 साल पीछे अगर मैं आपको ले जाऊं और अब आऊं तो अगर आप मेरे बालों का जो condition देखोगे, touch wood मेरे बाल अच्छे हैं क्योंकि मैं अपने बालों का टेक केयर बहुत अच्छे से पहले से करती हूँ और मैं हमेशा करती रहूंगी. हेयर, हेल्दी हेयर के लिए आपको काफी उस पर अपना टाइम, काफी कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है. अच्छा शैम्पू, कंडीशनर, सेरम एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हेयर ऑयल, तेल. आपको अच्छा हेयर ऑयल यूज करना पड़ता है. तो ये 10 साल पहले मैंने कुछ स्टडी करते समय, मैंने कुछ ऑयल स्टडी जब मैं कर रही थी एंड ऑल, तो मैंने खुद का अपना एक हेयर ऑयल बनाया था एंड 10 साल से मैं वही यूज कर रही हूँ. मेरी फैमिली भी वही यूज कर रही है, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स यूज कर रहे हैं एंड हर किसी के काफी सारे प्रॉब्लम जैसे कि हेयर फॉल, डैंड्रफ वगैरह, बहुत कुछ ये मैजिकल ऑयल से कंट्रोल हुआ है. एंड आज मैं आप सब लोगों से ये मैजिकल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ. सो वीडियो से यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिए. ये हेयर ऑयल आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए और उसके बाद जब ये वर्कआउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्या क्या यूज करने वाली हूँ और आपको क्या क्या कहाँ से ऑर्डर करना है ये मैं क्लियरली बता दूंगी सो दैट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आज यूज करने वाली हूँ वो है सोल फ्लावर का. दोनों मैंने मुझमें यही ब्रांड काफी टाइम जब से लॉन्च हुआ है, मतलब आई थिंक 10 साल पहले मैं कोई और ऑलिव ऑयल और कैस्ट्रोल ऑयल यूज करती थी, बट जब से ये लॉन्च हुआ है आई मेक श्योर कि मैं इन्हीं का खरीदूं बिकॉज इनके ऑयल्स, कोल्ड प्रेस ऑयल्स और इनके एसेंशियल ऑयल्स बहुत अच्छे होते हैं. ये काफी एक्सपेंसिव भी अब हो गए हैं. जब लॉन्च हुआ था तो प्राइस का काफी कम था बट नाउ डबल ट्रिपल द रेट्स हो गए हैं. तो सोल फ्लावर का मैं यूज करने वाली हूँ कैस्ट्रोल ऑयल एंड ऑलिव ऑयल. ये दोनों कोल्ड प्रेस ऑयल्स हैं, दोनों कोल्ड प्रेस ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल एंड कैस्ट्रोल ऑयल. नाउ आई विल टेल यू द बेनिफिट्स. कैस्ट्रोल ऑयल का अगर आप देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है बोथ ऑफ द ऑयल्स, ये हेयर कंडीशंस द हेयर, मतलब हेयर की कंडीशन काफी अच्छे से इम्प्रूव करता है. सेकेंड, ड्राई स्काल्प जो होता है, ड्राई स्काल्प दैट इज द मेन रीजन ऑफ डैंड्रफ एंड ऑल, उसको ये ट्रीट करता है एंड डैमेज हेयर को ये ट्रीट करता है. हेयर डैमेज यूजुअली फॉर यू नो हैवी कलरिंग आप जब वगैरह करते हो एंड एवरीथिंग, तो डेफिनेटली हैवी ब्लो ड्रायर और स्ट्रेटनर आप यूज करते हो तो काफ़ी हेयर डैमेज होता है. तो इट क्योर्स द डैमेज हेयर, इट रिमूव्स द डैंड्रफ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स एंटी बैक्टीरियल प्रोटेक्शन. सो ये दोनों मैंने ऑर्डर किए हैं अमेजोन से. आप इनके साइट से भी डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है. ये दिखते कैसे हैं आई विल जस्ट शो यू. इनकी पैकेजिंग बहुत क्यूट होती है. इफ यू सी दिस इज 200 ml, बहुत क्यूट एंड नीट पैकेजिंग होती है इनकी. सो यू कैन डायरेक्टली ऑर्डर इट फ्रॉम अमेजोन. माई हेयर ऑयल इज इनकम्प्लीट विदाउट द एसेंशियल ऑयल्स. एसेंशियल ऑयल्स नाम में ही है, एसेंशियल मतलब बहुत जरूरी, मतलब ऑयल जो बहुत रिक्वायर्ड होता है. एंड एसेंशियल ऑयल्स थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं और मुझे एसेंशियल ऑयल्स की हमको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है. वी हार्डली नीड 10 to 15 ml ऑफ दैट. सो मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ टी ट्री ऑयल फर्स्ट एंड देन रोजमेरी ऑयल एंड देन यूकलिप्टस ऑयल. यूकलिप्टस ऑयल का स्मेल सुपर्ब होता है. जब भी मुझे हेड एक होता है एंड ऑल, मैं थोड़ा सा अपने नाक में एंड सर में एंड इधर में इसको लाइक आई जस्ट यू नो थोड़ा बड़ा लगा लेती हूँ और इसके स्मेल से मेरा हेड एक ठीक हो जाता है, ट्रस्ट मी. एंड देन लैवेंडर ऑयल. इन सब के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, यू कैन गूगल इट अगर आपको जानना है कि सबके क्या बेनिफिट्स हैं. मैं इन शॉर्ट आपको बता दूंगी. एवरी ऑयल मतलब जितने भी ये है, टी ट्री ऑयल, रोजमेरी ऑयल, लैवेंडर ऑयल एंड यूकलिप्टस ऑयल, इन सब के जो बेनिफिट्स है, हेयर बेनिफिट्स है, स्किन बेनिफिट्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स है. बट व्हेन इट कम्स टू हेयर, इट ट्रीट्स योर डैंड्रफ, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ योर हेयर. ये जो स्प्लिटेंस होते हैं एंड एवरीथिंग, स्प्लिटेंस को ये ट्रीट करते हैं. हेयर आपका स्ट्रांग बनाते हैं, हेयर में काफी अच्छी शाइन आती है, हेयर ग्रोथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रमोट करते हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हेयर फॉल को ये अच्छे से कंट्रोल करते हैं. सो एसेंशियल ऑयल्स आर वेरी मच
required. And last but not the least, I ordered these two jars from Amazon because मैं ऑयल बनाती हूँ तो एक साल का स्टॉक बनाती हूँ और मैं इसको अच्छे से स्टोर कर लेती हूँ एंड देन आई डंप इट इनटू सम अदर कंटेनर. मे बी जो कैस्ट्रोल ऑयल और ये जो कंटेनर जब खाली होगा मैं इसी में डंप कर दूंगी ऑयल, फिर मैं रेगुलर यूज़ के लिए यूज़ करूँगी. सो ये सब मैंने ऑर्डर किया है अमेजोन से. आप भी कर सकते हो स्टोर के लिए. अगर आपके घर में कोई और खाली कंटेनर पड़ा या वाटर बॉटल एंड एक्सेट्रा, आप उसमें भी स्टोर कर सकते हो. ऑलराइट फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वाला कंटेनर मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया और आप देख सकते हो ये पूरा खाली है. इसमें मैं पहले डालूंगी कैस्ट्रोल ऑयल 200 ml, पूरा खाली करूंगी इसमें मैं. रिमेंबर, कैस्ट्रोल ऑयल काफ़ी थिक होता है, मतलब काफ़ी थिक, थोड़ा मोटा मोटा सा होता है ऑयल ये. इसके बाद मैं लूँगी ऑलिव ऑयल कोल्ड प्रेस और इसको मैं पूरा इसमें अच्छे से पलट दूँगी. इसके बाद मैं शुरू करूंगी एसेंशियल ऑयल से और जो पहला ऑयल मैं यूज़ करने वाली वो है टी ट्री ऑयल 15 ml, यानी कि 15 ml. इसके बाद मैं लूंगी यूकलिप्टस ऑयल, इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी होती है, 15 ml. इसको भी मैं इसमें पूरा अच्छे से पलट दूंगी. इसके बाद मैं लूंगी लैवेंडर ऑयल 15 ml, इसको भी मैं अच्छे से इसमें पूरा पलट दूंगी. एंड द लास्ट एंड फाइनल ऑयल जो मैं लेने वाली हूँ वो है रोजमेरी ऑयल 15 ml. इन सबको इस कंटेनर में पलटने के बाद इसका ढक्कन मैं अच्छे से बंद कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी. आप इसे ऊपर नीचे या ऐसे पलट सकते हैं सो दैट ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि कैस्ट्रोल ऑयल काफ़ी थिक होता है और उसे टाइम लगता है अच्छे से मिक्स होने में. ये रेडी हो गया मेरा ऑयल. गाइस देखा ना आप लोगों ने, मुझे बस 5 मिनट लगा ऑयल बनाने के लिए. बस मेक श्योर जब आप ऑयल बनाते हो तो आपको इजीली कंटेनर में शिफ्ट करना है, वरना नीचे गिर जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा बिकॉज एसेंशियल ऑयल्स एक्सपेंसिव आते हैं. ये देखिए ऑलमोस्ट 500 ml तक ये ऑयल मेरे लिए बना है. यही ऑयल अगर आप अमेजोन यहाँ से आप ये अच्छा वाला हेयर ऑयल खरीदते हो तो आपको बहुत महंगा पड़ जाता है. इससे अच्छा आप एक साल का स्टॉक आप खुद ही अपने लिए आप घर पे बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया है. अब मैं क्या करूँगी, इसको इसमें शिफ्ट कर लूँगी. ये डब्बे आप फेंकिए मत, बिकॉज इससे आपको ऑयल लगाने के लिए ईजी हो जाएगा. ये स्टोरिंग के लिए ठीक है, ऑयल शिफ्टिंग के लिए आप इस पर ऑयल शिफ्ट करके आप यूज़ कर सकते हो, तो मैं वही अब करूँगी. बाकी इसका जो स्मेल है अमेजिंग स्मेल है, क्योंकि मैंने इसमें टी ट्री ऑयल डाला है, मैंने इसमें लैवेंडर ऑयल डाला है, यूकलिप्टस डाला है, तो इस कारण काफ़ी अच्छा इसका स्मेल भी आता है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा ऑयल अभी बन चुका है. सो आई एम गोइंग टू शिफ्ट इट टू अनदर कंटेनर. ऑयल की कंसिस्टेंसी जब आप देखोगे बहुत थिक रहेगा, क्योंकि मैंने कैस्ट्रोल ऑयल डाला है ना इसमें. कैस्ट्रोल ऑयल बहुत थिक होता है, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट. और बहुत मज़ा आएगा आपको ऑयलिंग करते समय. इस तरह मैंने ये सब इसमें ट्रांसफ़र कर लिया और अब ये रेडी टू यूज़ हो जाएगा मेरे पास. वाओ, ट्रस्ट मी फ्रेंड, इतना सही इसका स्मेल है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको. ये मेरे बन गए दोनों बॉटल्स और इसमें थोड़ा मोड़ा बचा भी है. ऑलराइट गाइस, देखा ना आप लोगों ने कितनी आसानी से मैंने हेयर ऑयल बना दिया. ये आप भी डेफिनेटली ट्राई कीजिए. ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए आपको कैसा लगा. 1-2 महीने में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा. ये बहुत मैजिकल ऑयल है, डेफिनेटली आप इसको ट्राई कीजिए एंड मुझे अप्रिशिएट करना मत भूलना. And thank you so much guys for watching this video. If you like the video, please do like, comment, share and subscribe. And do not forget to press the bell icon. Take care.